नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द फाइट क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मर WWE सुपरस्टार जॉन मॉरिसन के बारे में। जॉन मॉरिसन ने अभी WWE के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो हमें 8 सालों के बाद WWE की रिंग में वापस दिखाई देंगे। तो चलिए जानते हैं कौन है जॉन मॉरिसन और उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी और रोचक बातें। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जॉन मॉरिसन का जन्म 3 अक्टूबर 1979 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। जॉन मॉरिसन का रियल नाम जॉन एनिगन है। इनकी हाइट 6 फुट 1 इंच और वेट करीब 98 किलोग्राम है। जॉन मॉरिसन एक प्रोफेशनल अमेरिकी रेसलर है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जॉन मॉरिसन प्रोफेशनल रेसलर होने के साथ साथ एक्टर भी है। उन्होंने कई सारी हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, कई सारे टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं। जॉन मॉरिसन का शुरू से ही रेसलिंग से बहुत बड़ा लगाव था। उन्हें रेसलिंग देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जॉन मॉरिसन ने अपना रिंग डेब्यू साल 2002 में किया था। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि जॉन मॉरिसन WWE के शो टफ इनफ 3 के विजेता भी रह चुके हैं। इसी शो को जीतने के बाद ही जॉन मॉरिसन WWE से जुड़े थे। जॉन मॉरिसन ने टफ इनफ के दूसरे सीजन में भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उस समय वो टफ इनफ शो में नहीं सेलेक्ट हो पाए। इसके बाद फिर से टफ इनफ के तीसरे सीजन में ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गए और फाइनल भी जीते। जॉन मॉरिसन ने अपने कैरियर में कई बार अपना नाम चेंज किया है। शुरुआती समय में उनका नाम सेमन ऑफ सेक्सी हुआ करता था, फिर जॉनी ब्लेज, जॉनी एनिगन, जॉनी स्पेड, जॉनी नाइट्रो नाम से जाने जाते थे। उनके WWE कैरियर की बात की जाए तो WWE में उन्होंने साल 2005 में डेब्यू किया था। WWE में उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप जीती, साथ ही वो एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बने और एक बार ECW वर्ल्ड चैंपियन भी बने। WWE में उन्होंने 5 बार वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती है। साल 2011 तक वो WWE से जुड़े रहे और फिर उन्होंने WWE को छोड़ दिया। 2011 में WWE छोड़ने के बाद जॉन मॉरिसन लगातार अलग अलग प्रमोशन कंपनियों से जुड़े रहे और इस दौरान वो लुच्चा अंडरग्राउंड में जॉनी मुंडो नाम से नजर आए और इसके बाद वो इम्पैक्ट रेसलिंग में चले गए, जहाँ उनका नाम जॉनी इम्पैक्ट हुआ करता था। जॉन मॉरिसन को फैंस हाई फ्लाइंग मूव्स के लिए भी जानते हैं। WWE के बाहर उन्होंने कई जापानी रेसलरों को धूल चटाई है। साल 2013 में उन्होंने ड्रैगन गेट शो में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने अकीरा तोजावा को हराया था। आपको बता दें कि अकीरा तोजावा इस समय WWE से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मॉरिसन ने जापान के सबसे बड़े स्टार जुसिन थंडर को भी हरा रखा है। जॉन मॉरिसन ने साल 2017 में एक इंटरव्यू में WWE सुपरस्टार रोमन रेंस और सेथ रोलिंस को मैच की चुनौती दी थी और अब मॉरिसन WWE से वापस जुड़ गए हैं। तो फैंस मॉरिसन का मैच रोमन और सेथ के साथ होते देखना जरूर पसंद करेंगे। ये मैच कब हो सकता है वो तो विंस मिकमैन को ही पता है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जॉन मॉरिसन का मैच दोनों सुपरस्टार से जल्द हो। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।